हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी मूड स्टेबलाइजर, दैट इज लिथियम को हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मूड स्टेबलाइजर के अंदर और भी मेडिसिन आती है, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी लिथियम, दैट इज अ ड्रग। सो दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। एक्चुअली ये जो ड्रग है लिथियम, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज की जाने वाली ड्रग है जब भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। सो व्हाट आर दी मूड डिसऑर्डर, पहले तो आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आपने लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया, राइट? तो आपको क्या करना है कि साइकेट्रिक वाला लेक्चर फॉलो करना है। साइकेट्रिक में आपको पता चलेगा मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं फर्स्ट। देन अगर आपको लगता है फार्मेसी से डर, राइट, अगर फार्माकोलॉजी से डर लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस लेक्चर्स को फॉलो करना है और अपने नोट्स को साथ साथ रिटर्न नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम दिक्कत ना हो और ईजिली समझ आए। और फार्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको उसके लिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, पहली बात तो। और दूसरी बात कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स में सब कुछ नहीं लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना है, जो कि आप एक बार देखो तो आपको इजीली याद हो जाए। बाकी मेरी वीडियोस तो हैं ही आपके हेल्प के लिए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। सो आई होप आपको लेक्चर आज का समझ आएगा। हम फार्मा स्टार्ट कर रहे हैं, साइकेट्री की फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि साइकेट्री हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है, साइकेट्री के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं दूसरा साइकेट्री से स्टार्ट करते हैं। दैट इज इंटरेस्टिंग भी रहेगा और कुछ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से आप रिलेट भी कर पाओगे। सारी फार्मा को हम डिस्कस करेंगे एक से एक, मतलब एक के बाद एक करके। तो अभी आज हम डिस्कस करने वाले मूड स्टेबलाइजर। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। स्टार्ट करते हैं लिथियम के बारे में। सो व्हाट इज लिथियम? सो दिस इज अ मूड स्टेबलाइजर एंड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज करते हैं, देन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। कुछ जैसे कि कुछ कॉमन मूड स्टेबलाइजर्स क्या क्या है कि लिथियम है, कार्बामेज़ेपिन है एंड सोडियम वैलप्रोट है। इन तीनों को मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिथियम के बारे में। सो मूड डिसऑर्डर्स आपको पता चल गया क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर, अफेक्टिव बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, देन अदर्स मेनिया, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 3, ये आपको पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, से हम पढ़ते आ रहे हैं। सो लिथियम इज एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एंड इसका एटॉमिक वेट होता है 7। देन इट इज डिस्कवर्ड बाय एफ.जे. केड इन 1949, राइट? तो कब डिस्कवर हुआ था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1949 में डिस्कवर हुआ था एंड इज मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। किसकी ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं इसको, मेनिया के, ये चीज़ याद रखनी है। मूड स्टेबलाइजर इज मेनली वाइडली यूज, लिथियम इज वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। नेक्स्ट है कि कब कब यूज करेंगे, क्या क्या इंडिकेशंस है, कब हम देते हैं। सो इंडिकेशंस को देखो, एक तो हम करते हैं इसको एक्यूट मेनिया, देन प्रोफाइल एक्सेस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, साइक थाइमिया, इम्पल्सिविटी एंड अग्रेशन, अदर्स डिसऑर्डर्स, प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड एपिसोडिक ऑफ बिंज ईटिंग। ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको मेरी साइकेट्री के प्लेलिस्ट पे मिलने वाले हैं, तो आपको वहाँ जाकर के बस एक बार इनको पढ़ना है और देखना है। सो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द लिथियम? सो लिथियम क्या होता है कि लिथियम इज रेडली एब्जॉर्ब विद पीक प्लाज्मा लेवल अकरिंग इन 2 to 4 hours। में क्या होता है, पीक पे चला जाता है इसका प्लाज्मा में इसका लेवल एंड आफ्टर सिंगल ओरल डोज ऑफ लिथियम कार्बोनेट, राइट? देन लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली इन लीवर एंड किडनी एंड मोस्ट स्लोली इन मसल्स, ब्रेन एंड बोन। सो लिथियम क्या है, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किडनीज के अंदर एंड आपका लीवर के अंदर, बट स्लो किस में कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मसल के अंदर एंड ब्रेन के अंदर एंड बोन के अंदर। देन स्टडी स्टेट लेवल की बात करें कि कब वो अपनी कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट में आ जाता है, ठीक है, तो वो कब आता है, 7 in about 7 days। देन इसका एलिमिनेशन कैसे होता है, किडनीज के थ्रू इसका एलिमिनेशन होता है एंड लिथियम इज रीअब्सॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोडियम बैलेंस। डिप्लीशन ऑफ सोडियम कैन बी प्रेसिपिटेट लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो लिथियम इसमें फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है कि ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में कब हाई लेवल पे जाता है, कैसे ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, तो ये और कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है ये हमने पढ़ा कि लीवर के अंदर, किडनी के अंदर ये रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन मसल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर थोड़ा स्लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन ये एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू किडनी, राइट? तो ये हो गया। देन अगर बॉडी में लिथियम की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, अगर कोई ज़्यादा ड्रग ले ले तो लिथियम की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि किडनी के थ्रू ही बाहर जाना है ना, तो अगर ये बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो इट विल कॉज टॉक्सिसिटी। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि काम कैसे करता है बॉडी में,
सो इट एक्सेलरेट द प्री साइनेप्टिक रीअपटेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैथेकोलामाइन लाइक नॉनएपिनेफ्रिन. इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैथेकोलामाइन एट द साइनेप्स. इट डिक्रीज पोस्ट साइनेप्टिक सीरोट्रोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी एंड ऑल दिस एक्शन रिजल्ट इन डिक्रीज कैथेकोलामाइन एक्टिविटी दस एमिलोरेटिंग मेनिया. सो पहली बात तो आप ये बताओ कि मेनिया होता कैसे. ठीक है, तो मेनिया कैसे होता है. मेनिया क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव वाली स्टेट होती है, ज़्यादा हाइपर एक्टिव वाली. तो हाइपर एक्टिव हम कब होंगे, जब हमारे न्यूरॉन्स जो हैं ज़्यादा मात्रा में रिलीज होंगे तब हम ज़्यादा एक्टिव होंगे. राइट, डोपामिन ज़्यादा अगर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तब हम ज़्यादा एक्टिव होंगे. ये चीज़ें हैं. सो अगर हम उनको कम कर दें, अगर हम उनको कम कर दें तो क्या होगा कि हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी. पहली बात तो आपको ये समझना है कि मेनिया होता क्या. अगर मेनिया का आपको समझ आ गया ना, तभी आपको सब चीज़ें समझ आएंगी. तो मेनिया एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो कि जिसके अंदर जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है. और जब वो हाइपर एक्टिव होता है तो वो किस वजह से होता है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेनिया वाला वीडियो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. राइट, तो अब अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसके यानी क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी बॉडी में हॉर्मोन्स है, जो उसकी नॉन एपिनेफ्रिन है, वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है. राइट, तो अगर वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो ज़्यादा एक्टिव है. अगर हम अगर क्या हो कि जो उसका हॉर्मोन है वो थोड़ा कम हो जाए, क्या होगा, है ना. अगर हम उसके हॉर्मोन लेवल को कम कर दें तो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो तो हाइपर एक्टिव था वो नहीं रहेगा. तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो ऐसे ही काम करता है. राइट, तो अब देखो ये क्या करता है, एक ये लाइन पढ़ो. इट एक्सेलरेट द प्रीसाइनेप्टिक रीअपटेक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैथेकोलामाइन. राइट, एक हमारी बॉडी में हमारे जो न्यूरॉन्स बना रहे हैं, ये प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ से क्या होते हैं हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. दैट इज नॉन एपिनेफ्रिन. व्हाट इज नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, सो दैट इज नॉन एपिनेफ्रिन. अब ये रिलीज होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर बाइंड हो जाएगा. ये यहाँ पर बाइंड होते हैं, और जब ये बाइंड होते हैं तब हमें खुशी का एहसास होता है, तब हमें एक्टिविटी का एहसास होता है. राइट, तो इसका मतलब क्या है, मीडिया में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं और इसीलिए हमें मीनिया, पेशेंट को मीनिया होता है. अब एक और चीज़ होती है यहाँ पर कि एक मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ. ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर देखना एक बार. ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन, प्री साइनेप्टिक न्यूरोन, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन. ठीक है, यहाँ लिख दो प्री पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन. इसके अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं. ठीक है, जिस भी फॉर्म में बनते हो ये आपको देखना है. अब इसके बाद यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, क्या रिलीज हो रहे हैं, ये क्या है, ये नॉन एपिनेफ्रिन. क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन. और ये यहाँ पे जाके, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं. कुछ तो बाइंड हो जाते हैं, कुछ वापस से जो बच गए, जो बाइंड नहीं हो पाए, वो वापस से प्री साइनेप्टिक न्यूरोन में चले जाते हैं. ठीक है, वापस चले जाते हैं. तो अब जब हम ड्रग देंगे, ठीक है, जब हम ड्रग दे रहे हैं, जो वापस जाते हैं उनको हम बोलते हैं रीअपटेक. ठीक है, रीअपटेक मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरोन ने रीअपटेक कर लिया, दोबारा से उनको ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे थे ना, तो कुछ यहाँ पे बाइंड हो गए, बट जो कुछ बचे थे वो क्या हो गया, ऊपर जाके रीअपटेक हो गया. ठीक है, वापस प्री साइनेप्टिक में चले गए. अब क्या होता है प्रीअपटेक के अंदर, रीअपटेक के अंदर क्या होता है कि जब हम लीथियम देंगे, जब हम लीथियम देंगे तो लीथियम क्या करेगा कि इसके रीअपटेक को इंक्रीज कर देगा. एक तो नॉर्मली जो रीअपटेक हो रहा था वो तो हो ही रहा था, बट अभी रीअपटेक ज़्यादा होगा. सपोज पहले रीअपटेक हो रहा था 10 न्यूरॉन्स का, 10 नॉन एपिनेफ्रिन थे वो रीअपटेक हो रहे थे, बट अभी क्या होगा, ये इसको और भी ज़्यादा एक्सिलरेट कर देगा डबल, तो अभी 20 रीअपटेक होगा. बाइंड कम होंगे, बाइंड विल डिक्रीज एंड रीअपटेक विल इंक्रीज. तो रीअपटेक बढ़ जाएगा, बाइंड कम होंगे, तो हाइपर एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज. तो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ लीथियम. अब ये होता कैसे, ये देखो, लीथियम मॉड्यूलेट न्यूरो ट्रांसमिशन. लीथियम क्या करता है, डिक्रीज करता है डोपामिन रिसेप्टर्स को एंड एनडीएमए रिसेप्टर्स को. जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ही कम कर देगा लीथियम. राइट, तो जब रिसेप्टर्स कम है तो बाइंड कम होगा, तो एक तो चीज़ों की बाइंड कम हुआ, देन ये गाबा रिसेप्टर्स को बढ़ा देता है. अब गाबा क्या करता है ना कि गाबा एक टाइप का न्यूरो ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसमिटर होता है, जो कि क्या करता है कि ये क्या करता है कि जो CNS को डिप्रेस करता है. गाबा का फंक्शनिंग क्या है कि इसका एट द टर्म में फंक्शनिंग है CNS डिप्रेशन.
ठीक है, गाबा का एट द अल्टीमेट फंक्शन है सीएनएस डिप्रेशन। सो गाबा क्या है, इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मॉड्यूलेट करता है डोपामिन एंड ग्लूटामेट एंटी, पेशेंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर रिड्यूस गाबार्जिक ट्रांसमिशन, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे गाबा बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे गाबा बढ़ जाएंगे, लिथियम ने क्या किया, एक तो रीअपटेक को बढ़ा दिया, यहाँ से रीअपटेक को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, राइट। दूसरा काम इसने किया कि जो गाबा रिसेप्टर्स है उनको प्रमोट करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को प्रमोट करता है। तो ये क्या करते हैं, जब यहाँ पे गाबा न्यूरोट्रांसमीटर प्रमोट होंगे तो यहाँ पे बाइंड होना शुरू कर देंगे। जब ये बाइंड होंगे तो नॉन एपिनेफ्रिन के बाइंड होने के लिए जगह नहीं बचेगी, राइट। जितना ज़्यादा गाबा बढ़ेंगे उतने ज़्यादा रिसेप्टर्स बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा गाबा यहाँ पे बाइंड होंगे। गाबा ने बाइंड होना शुरू किया, नॉन एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं होगा। सेकेंड एक और काम करता है गाबा, ठीक है, वो हम बेंजोडाइजेपिन में पढ़ेंगे। सो गाबा के बहुत सारे फंक्शनिंग है, समझ आया आपको ये चीज़ समझ आई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिथियम का फंक्शन कैसा है। अगर आपको गाबा वाली सिस्टम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है ना, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है काम कैसे कर रहा है। एक चीज़ याद रख लो, रीअपटेक को बढ़ाता है ये। जब रीअपटेक बढ़ जाता है तो बाइंडिंग कम होती है, नॉन एपिनेफ्रिन कम बाइंड होगा, हैप्पीनेस कम होगी, हाइपर एक्साइटेबिलिटी कम होगी, डोपामिन के जो रिसेप्टर्स है वो कम हो गए, डोपामिन कम बाइंड होगा, एक्साइटेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। सो ये एक मूड स्टेबलाइजर है, इसको मेनिया में भी देते हैं, डिप्रेशन में भी देते हैं, राइट। तो मेनिया और डिप्रेशन दोनों में हम इसको देते हैं, बट मोस्टली इसका यूज़ जो है हम बाइपोलर डिसऑर्डर और मेनिया में ज़्यादा करते हैं। इसका यूज़ हम एक और एंटी एपिलेप्टिक की तरह भी करते हैं। जब हम एंटी एपिलेप्टिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से ये काम करता है। एक ड्रग को हम कई जगह यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए। सो ये अलग अलग इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। अब देखो इसका डोज, वेरी इंपॉर्टेंट, डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम इज अवेलेबल इन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ दी विच लिथियम कार्बोनेट की फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज 300 mg टैबलेट आता है जिसको हम लिकैप बोलते हैं, देन 400 mg सस्टेन रिलीज टैबलेट, ठीक है, लिथियम सिट्रेट के नाम से 300 mg पर 5 ml लिक्विड, देन यूजुअल रेंज ऑफ द डोज पर डे इन एक्यूट मेनिया में हम कितना देंगे, 900 से 2100 mg दे सकते हैं, 2 से 3 बार डिवाइड करके, ठीक है, 900 से 1200 mg दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना दे सकते हैं, 900 से 2100 mg दे सकते हैं। देन द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड आफ्टर सीरियल लिथियम एस्टिमेशन इज डन आफ्टर अ लोडिंग डोज 600 mg से 900 mg से हम देना स्टार्ट करेंगे, एंड ठीक है, उसके फार्माकोकाइनेटिक कैसा हो रहा है बॉडी में उस पर डिपेंड करता है। सो इसका डोज याद रखना है, दैट इज 900 से 2100 mg दे सकते हैं, 2 से 3 डोजेस के अंदर। अब ब्लड लिथियम लेवल ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द लेवल ऑफ द लिथियम इन द ब्लड, व्हेन इट कॉज टॉक्सिसिटी, व्हेन इट इज इन थेरेप्यूटिक लेवल, व्हेन इट इज इन प्रोफाइलेक्टिक लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थेरेप्यूटिक लेवल होता है जब ब्लड के अंदर 0.8 से 1.2 mEq पर लीटर होता है, देन प्रोफाइलेक्टिक लेवल होगा 0.6 से 1.2, देन टॉक्सिसिटी लेवल इज वेन जब 2 से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है, तब वो टॉक्सिसिटी लेवल में चला जाता है। तो ये याद रखना ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लिथियम। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। सो एवरी ड्रग इज हैविंग साइड इफेक्ट, राइट। तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक फर्स्ट इज आपका न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर होता है ट्रेमर, मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, ठीक है, कॉगविल रिजिडिटी, सीजर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट को हम जर्की मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्की मूवमेंट। जब ये क्या होता है कि इनवॉलेंट्री इंसान क्या करता है, उसके वो नहीं चाहता कि उसका हाथ मूव करे, वो नहीं चाहता कि उसकी गला से कुछ आवाज़ें निकले, राइट, बट ये ऐसा होना लग जाता है। तो इलॉजिकल मतलब एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, एंड सीजर्स भी हो सकते हैं, साथ में कोमा भी हो सकता है, राइट, या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट के अंदर आँखों का फड़फड़ाना जैसे बहुत ज़्यादा इनवॉलेंट्री होता है, बट इसमें ज़्यादा हो जाए तो। देन रीनल के अंदर क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पॉलीडिप्सिया हो सकता है, पॉलीयूरिया, ट्यूबुलर एनलार्जमेंट हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर टी वेव डिप्रेस हो सकता है, डिप्रेशन टी वेव की देखी जा सकती है। देन जीआई सिस्टम के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड मेटालिक टेस्ट आएगा। एंडोक्राइन के अंदर क्या होगा, एंडोक्राइन के अंदर एबनॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग हो जाएगी, गोइटर हो सकता है, ठीक है, एंड वेट गेन हो सकता है। डर्मेटोलॉजिकल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्नीफॉर्म इरप्शंस एंड पैप्यूला इरप्शंस एंड एक्सरबेशन ऑफ द
सोरेसिस। देन साइड इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम पे क्या हो सकता है, टेट्रोजेनिक पॉसिबिलिटी हो सकती है। टेट्रोजेनिक पॉसिबिलिटी का मतलब कि जो फीटल है उसको कुछ मालफॉर्मेशन हो सकती है। देन इंक्लूड इंसिडेंस ऑफ अपस्टर्न एनामली, जो कि क्या होता है कि डिस्टॉर्शन ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल इन राइट वेंट्रिकल व्हेन टेक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेंगे तो दैट इज द एब्सेंट एनामली देखने को मिल सकता है। देन आपका सिक्रेटेड इन मिल्क एंड कैन कॉज टॉक्सिसिटी टू इन्फेंट। अगर लैक्टेशन वाली मदर है, लैक्टेटिव मदर है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और अगर उसको लिथियम की डोज दी जा रही है तो वो इन्फेंट को टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है इन्फेंट के अंदर। देन अगर टॉक्सिसिटी हो गई, सपोज टॉक्सिसिटी हो गई, तो पहले तो आप मुझे बताओ टॉक्सिसिटी कब हो रही थी, राइट, कमेंट सेक्शन में बताओ अभी। देन तो क्या होगा अगर टॉक्सिसिटी हो गई लिथियम की बॉडी के अंदर, तो होगा अटैक्सिया, देन कॉरेस ट्यूमर, ट्रेमर, नॉजिया, वॉमिटिंग, इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मसल की वीकनेस, कन्वर्जन, मसल ट्विचिंग एंड डिसअर्थ्रिया एंड लेथार्जी। देन एक और हो सकता है, दैट इज योर निस्टैग्मस, जो कि क्या होता है कि रैपिड और रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं आई की, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है और राउंड भी हो सकती है। सो किस किस को हम लिथियम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं इसके। सो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर है कि एक तो कार्डियक फेलियर, मतलब कार्डियक डिसीज है किसी को, रीनल, थायराइड, न्यूरोटॉक्सिकल और सॉरी न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग है। तो देन प्रेजेंस ऑफ ब्लड डाइसेक्रेसिस, देन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे ये मैंने अभी आपको बताया था। देन सीवियर डिहाइड्रेशन में नहीं देते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ सीजर, अगर किसी को सीजर्स तो भी हम उसको नहीं देंगे, ठीक है। देन मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, अब लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई बॉडी के अंदर, दे दिया किसी ने या किसी पेशेंट ने ज़्यादा ले ली सपोज, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर हम उसको करेंगे, सबसे पहले तो ड्रग को डिसकंटिन्यू करना है, ठीक है। फॉर सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इंजेक्शन रेजिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट शुड बी रिमूव, चाहे आप गैस्ट्रिक लवाश करो उसके थ्रू जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट को बोलेंगे कि वो फ्लूड ले, प्लेंटी ऑफ योर फ्लूड लेगा तो वॉमिट होगा और वॉमिट के थ्रू क्या होगा कि लिथियम जो है बॉडी से बाहर निकलेगा। देन सीरम का जो लेवल है, सीरम में कितना लिथियम लेवल है उसको चेक करें, असेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, ECG कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ECG में टी वेव की डिप्रेशन देखने को मिलेगी हमें। देन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेंगे, अगर पेशेंट सीरियस है, ज़्यादा टॉक्सिसिटी हुई है तो हम उसको हीमोडायलिसिस भी दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिथियम, दैट इज अ ड्रग, दैट इज अ मूड स्टेबलाइजर। आई होप यू अंडरस्टैंड लेक्चर, अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।